आज के युग में हर आदमी जल्दी से जल्दी अमीर होना चाहता है, जल्दी से जल्दी वो अपने पैसे का बढ़ना देखना चाहता है। मैं भी देखना चाहता हूँ, लेकिन आप जानते हैं कि हमारी कड़ी मेहनत के पैसे, खून पसीने के मेहनत के पैसे हम यूँ गंवा नहीं दे सकते। कहीं पर भी इन्वेस्टमेंट करने के पहले आप सोचिए उसके बारे में कि वो कहाँ तक सच है, किसी की बातों पर नहीं आए और आँख मूंद कर किसी पर विश्वास करके हम सारा पैसे या सारा अकाउंट उसको हैंडल करने के लिए नहीं देते। वो आपसे ज़्यादा समझदार नहीं है। जब पैसे गायब होते हैं तो फिर वो बड़ी चालाकी से कहता है कि मैं तो, आपने हमारे पर विश्वास कैसे कर दिया, अगर मेरे पास इतना दिमाग होता तो हम 10,000 की नौकरी क्यों करते। और ये 100% सोलह आने सही है कि शेयर मार्केट के जो एजेंट हैं उनके दलालों के ऊपर हम लोग यकीन कर लेते हैं और अंततः सारे पैसे में हम आग लगा लेते हैं या अपना हाथ जला बैठते हैं। इसलिए किसी की बातों पर यकीन नहीं करिए। शेयर मार्केट में जाना है तो जाइए, पैसा आपका है, अगर आपको जानकारी है तब जाइए, नहीं तो बिल्कुल भी आप दूर रहिए। शेयर मार्केट एक जुआ घर है और जितना बच सकते हैं बचिए, अपना फ्यूचर बनाइए। इसके बाद कोई भी ऐसा डिपार्टमेंट नहीं जो आपकी हेल्प कर सके, क्योंकि ये तो खुला लिखा हुआ है इसमें कि शेयर मार्केट है, यानी जुआ घर है, गैम्बल बिजनेस है। अगर पैसा बढ़ गया तो आपका, घट गया तो आपका। अब जैसे जोमेटो देख लीजिए, आपने 150 रुपये का शेयर जो आपने लगाया था, किसी उम्मीद पर लगाया था कि 300 रुपये हो जाएगा, आज वो बाज़ार में 40-50 रुपये में धक्के खा रहा है। LIC का IPO आया था, फर्स्ट अलॉटमेंट 900 रुपये का था, आज वो 700 रुपये का धक्के खा रहा है। तो क्यों आप अपने पैसे को आग लगा रहे हैं? सबसे अच्छा प्रोटेक्शन है तो आप FDR फिक्स डिपॉजिट कीजिए, ऐसे माइनस तो नहीं होगा, कम से कम आप PPF अकाउंट खोलिए। इनमें क्या, पैसे आपके जो आपने 5,000 रुपये 10,000 रुपये जब लगाए वो 11,000 ही होंगे, 9,000 नहीं होगा। थैंक यू।